और भिलाई में दो पानी की टंकी टूटने के बाद पानी की किल्लत का सामना अब ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। वहीं विधायक और महापौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पानी की टंकी गिरने पर जो मालबा बिखर गया था उससे झाड़ू देखकर फोटो खींचकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए और कहा कि राज्य शासन और नगर निगम लगातार टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पहुँचा रहा है। बाद सेक्टर फोर की टंकी गिरने के बाद सेक्टर फोर सेक्टर थ्री के लिए पैरेलल व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई। टैंकर से, बोर से, वाटर एटीएम से घर घर आरओ का पानी पहुंचाकर इस तरीके से हमने व्यवस्था की है। इसके बावजूद अभी जो चैलेंज ये आ गया है सेक्टर फाइव और सेक्टर वन की टंकियों को भी अवरोध किया गया है पानी, तो जिससे इन दोनों जगह के लिए भी हम लोगों ने वाटर आरओ प्लांट और इसके अलावा घर घर पानी पहुंचाने के लिए अन्य व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। विषय ये है कि ये सारे काम तो राज्य शासन अस्थायी रूप से और स्थायी व्यवस्था के हिसाब से जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जो डीएसपी प्रबंधन है वो शांत बैठी हुई है और वो अपनी जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों को अस्थायी रूप से जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं